हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में निमसेट में अर्थमेटिक मीन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अर्थमेटिक मीन भी एक तरह का एवरेज है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो उसका पहला चैप्टर है जहाँ पे हम एवरेज की बात करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अर्थमेटिक मीन, या इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, AM, या सिंपली मीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन, करीब 7 to 8 क्वेश्चंस अर्थमेटिक मीन से ही पूछे गए हैं, तो उसको काफ़ी डिटेल में देखना बनता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द ब्रांच ऑफ साइंस नोन एज स्टैटिस्टिक्स हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट डेटा, देयर क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो मेनली हमें बात करनी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एवरेज के बारे में। एवरेज एक होता है मीन, मीन में तीन आते हैं, AM, GM, HM। मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो AM में ही बनता है, फिर मीडियन एंड मोड, वन बाय वन सारे देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी डिटेल में अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन सिंपली एवरेज हो जाएगा, दैट इज मीन। तो अगर मीन बोला जा रहा है तो मान के चलना अर्थमेटिक मीन बोला जा रहा है। इफ x1, x2, xn आर n वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, देन द अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स बार क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाय n, सिंपली समेशन xi। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय n को समेशन xi बोल दिया, डिवाइड बाय n, सिंपल। नाउ अब वन बाय वन हम बात करते जाते हैं अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज की। तो अर्थमेटिक मीन इज सिंपली एवरेज, सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, एक्स बार उसका मीन है। एक्स बार क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn डिवाइड बाय n। तो प्रूव दैट जितने भी डेटा है उसका अगर डेविएशन हम मीन से लेते हैं तो हमेशा सम जीरो आता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। क्या लिखा है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी कर रही है, 1 से लेके एन तक वेरी करो एक्स आई को, तो दिस इज x1 से लेके xn तक माइनस समेशन x बार। x बार तो कांस्टेंट है, i पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, nx बार हो जाएगा माइनस x बार एवरेज है जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और यहां कुछ बचेगा नहीं, 1 से लेके n तक कुछ नहीं लिखा है, इट मींस 1 लिखा है, इट मींस 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो दिस इज फाइनली n, तो ये भी हो जाएगा x बार n, मतलब n x बार। तो ये क्वेश्चन आ चुका है निमसेट में भी। तो कोई भी गिवन डेटा है अगर उसका डेविएशन उसके मीन से लेते हैं, उसका एल्जेब्रिक सम निकालते हैं, तो दैट विल बी जीरो, सिंपल। उनका एल्जेब्रिक सम निकाला जाएगा, एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे काउंट करे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स बार इज द मीन ऑफ एवरेज x1 x2 xn। अब हमने क्या करा, सारे डेटा में AA जोड़ दिया तो एवरेज में भी ए ऐड हो जाता है। अगर सारे डेटा में ए ऐड कर दिया है तुमने तो इसका जो मीन आता है दैट इज एक्स बार प्लस ए, सिंपल। इसको प्रूफ करा जा सकता है, सारे डेटा में ए मल्टीप्लाई कर दिया है तो न्यू मीन ए एक्स बार हो जाएगा। अगर हमें x1 x2 x3 xn का मीन एक्स बार दे रखा है तो ए टाइम्स एक्स आई का मीन ए एक्स बार हो जाएगा, मीन भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली सारे डेटा को ए से डिवाइड कर दिया है तो मीन भी ए से डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
सारे डेटा में ए सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो मीन में से भी ए सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इट मीन्स जो अर्थमेटिक मीन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब ए ऐड करना या ए सब्ट्रैक्ट करना, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हर एक डेटा से। हर एक डेटा में कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल, हर एक डेटा में कुछ मल्टीप्लाई करें या कुछ डिवाइड करें दैट इज चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पे ही अर्थमेटिक मीन डिपेंडेंट होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं अर्थमेटिक मीन के, इट इज हाईली इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्यू एबनॉर्मली हाई डेटा और एबनॉर्मली लो डेटा। मतलब अगर कोई वैल्यू बहुत हाई हो जाए तो फिर मीन सपोज कर लो, उसको ऐसे समझ सकते हो कि लाइक तुम्हारा एक एरिया, एक मोहल्ला है, एक एरिया में तुम रहते हो, वहां पे सब ऑर्डिनरी लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी एवरेज इनकम मान लो 3 लाख पर एनम, अब उसी एरिया में अंबानीज ने अपना घर बना लिया, अब इनकी इनकम तो आई थिंक 10^100 मान लो पर एनम हो गई। ठीक है, तो अब इनका एवरेज निकालोगे तो डेटा सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। मान लो 200 लोगों की इनकम 3 लाख पर एनम है और एक बहुत रिच पर्सन, रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड आ गया तो एवरेज अभी करोड़ों या अरबों में आएगा जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात समझ रहे होगे कि अगर कोई एबनॉर्मल डेटा आ गया बहुत हाई और बहुत लो तो फिर एएम की सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ सिंगल आइटम, अगर एक भी आइटम मिस हो गया तो वैल्यू अर्थमेटिक मीन की इनकरेक्ट आती है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन ओनली, जब तक डेटा नहीं दिया जाएगा तब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ इंस्पेक्शन से इसको कैलकुलेट नहीं करा सकता। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन हर एक डेटा को। इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए एक्स बार, तो हर एक ऑब्जर्वेशन से मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सिंपली ये देख लो ए एक्स बार क्या आ रहा है, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए एक्स एन का एवरेज। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है तो बड़ा सिंपल है, मतलब ये एवरेज से ही तो डेविएशन आ रहा है। हर एक डेटा का डेविएशन किससे निकाल रहे हो, उसके एवरेज से निकाल रहे हो तो जीरो ही आएगा। तुम चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो, ऐड करोगे तो आएगा ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू से लेके ए एक्स एन माइनस ए एक्स बार ए एक्स बार ए एक्स बार, कितने बार ऐड हो रहा है, एन टाइम्स ए एक्स वन से लेके ए एक्स एन तक का सम आ रहा है एन टाइम्स ए एक्स बार। तो ये अगर एग्जामिनेशन में आता है तो सीधे सीधे बोल सकते हो वही डेटा है और उसी का एवरेज ए एक्स बार है, उससे डेविएशन निकाला जा रहा है तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, If a minus b is added to each observation, तो उसके mean में भी a minus b add हो जाता है। We know it. अगर सारे data में a कोई भी number add करोगे, तो mean में भी वो number add हो जाता है। इसको कोशिश करना, अपने आप proof कर सकते हो खुद से। इन सारे numbers xi में a minus b add कर देना, ठीक है? और उसका average निकाल लेना। आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, सिंपल, तो यही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएट, मतलब ये वेरिएबल है इसके फ्रॉम देयर मीन। तो सीधे सीधे आंसर क्या लिख दो, कोई भी डेटा दे रखा है उसके मीन से उसका डेविएशन निकाला जाएगा तो दैट इज सिंपली जीरो।
नेक्स्ट द मीन ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 40 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन आ रहा है 160. इट वॉज डिटेक्टेड ऑन, सपोज कर लो ये 40 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 से लेके x40 डिवाइड बाई 40, ठीक है. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो समेशन xi. इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं निम्नसेट में. डिवाइड बाई 40. अब क्या है, इट वॉज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 इज रॉन्गली कॉपीड एज 125, ठीक है. मतलब ये हुआ कि ये जो एवरेज हमने निकाला है गलत डेटा से निकाला है. मीन्स यहां से अगर हम समेशन xi निकाल लें तो दैट विल बी 160 into 40, और ये रॉन्ग है क्योंकि हमने डेटा, एक डेटा गलत लिखा है, रॉन्ग सम है. तो अगर एक्चुअल सम करना है, सम ऑफ डेटा, तो क्या दे रखा है, रॉन्ग सम कितना आ रहा है, 160 into 40. रीचेकिंग दैट द वैल्यू 165 को हमने 125 लिख दिया, ये गलत लिख दिया. एक्चुअल में वैल्यू क्या थी, 165 थी. तो जो गलत वैल्यू लिखी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको ऐड कर दो. तो देखो 160 into 40 दैट इज 64 00. और आई थिंक 165 माइनस 25 करोगे 40 आ जाएगा, माइनस 40 दैट इज 6360. ये एक्चुअल सम आ गया ऑफ डेटा. अब इसका एक्चुअल मीन अगर हम निकालेंगे तो एक्चुअल सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड बाई 40 दैट विल बी 159. एक्चुअल मीन क्या आएगा, 159, और गलत मीन क्या दे रखा था, 160. तो ये कैटेगरी काफी बार पूछी जा चुकी है एनएमसेट में. नाउ आगे देखते हैं, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20. इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, ये मीन है, हर एक नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर आ गया है, तो नया मीन क्या आएगा, तुम्हें याद है न्यू मीन से भी 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दैट विल बी 15. सिंपल एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है हमें इसको. नेक्स्ट इज इफ द मीन ऑफ आइटम्स 16 नंबर्स इज 8, इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर तो न्यू मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, तो 8 + 2 दैट विल बी 10. सिंपल क्या आंसर आ जाएगा, 10 इज द आंसर. नेक्स्ट अब ये टाइप समझो, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है. x1 x2 x3 xn आर n वेरिएबल x सच दैट हर एक वेरिएबल से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 110 आ रहा है, हर एक वेरिएबल से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 20 आ रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड द मीन, ठीक है. तो इसमें समेशन लगा देते हैं और इसमें समेशन लगा देते हैं. x1 से लेके xn तक ओपन कर दिया, x1 - 2, x2 - 2, xn - 2, ठीक है. इसको अगर तुम ओपन करोगे तो x1 + x2 + x3 से लेके xn तक, और ये 2 कितने बार आ रहा है, n टाइम्स, इज इक्वल टू 110 आ रहा है, ठीक है. इसी तरह से इसको हमने ओपन करा, xi - 5, x1 - 5, x2 - 5 से लेके xn - 5 जो कि 20 है, इसको पूरा ओपन करेंगे तो सारे नंबर्स का सम आएगा जो कि दिख रहा है, और ये 5 कितने बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n बार, तो 5n इज इक्वल टू 20, ठीक है. तो आई थिंक ये डेटा आ गया. इसका सम हमने मान लिया
दिस इज इक्वलेंट टू एस, ये एस है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एस माइनस टू एन इज इक्वल टू 110 और एस माइनस फाइव एन इज इक्वल टू 20। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो तो दिस इज 3n और ये आ जाएगा 90, ठीक है। तो n आ गया 30, n 30 यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 60, तो दिस इज 170, ठीक है, दिस इज 170। अब क्या निकालना है, n तो आ गया हमारे पास, n आ गया और एवरेज निकालना है, सम कितना आ गया 170, सम आ गया 170, उसको डिवाइड कर दोगे 30 से, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 30, तो एवरेज क्या आ जाएगा 17/3, तो s आ गया 170, टोटल डेटा n है, n इज 30, तो 170/30 इज 70/3, तो n ये है और मीन 17/3 है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखो, इफ सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ एन वेर एन वेरिएबल फ्रॉम 50 इज -10, इसका मतलब ये हुआ 50 से डेविएशन लेना है, एक्स आई माइनस 50 सम ऑफ डेविएशन, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक है, दैट इज -10, इसका सम कर देंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन आएगा, माइनस 50n आएगा इज -10, 50 को n टाइम्स ऐड करेंगे, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द वैल्यू 46 इज 70। इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और बिना प्रैक्टिस के अगर जाओगे एग्जाम देने तो फिर नहीं होते हैं। 46 से डेविएशन देख रहे हैं तो 70 आ रहा है, तो आई थिंक अब समझ गए होगे, पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, ये एस हो जाएगा माइनस 46 एन इज 70, इसको एस मान लो तो दो इक्वेशन आ गए, एस माइनस 50 एन इज इक्वल टू -10, एस माइनस 46 एन इज इक्वल टू 70। सॉल्व कर लेंगे इसको, एस और एन की वैल्यू आ जाएगी, एस भी आ जाएगा एन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कर सकते हो, तो उसको एक बार करके देख लेना, आंसर ये दे रखा है, मैच करा सकते हो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ क्लास 100 स्टूडेंट 70 बॉयज हैं एंड 70 बॉयज एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट इज 75, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ 70 बॉयज इज 75, सिंपल। इफ द एवरेज मार्क्स कंप्लीट क्लास इज 70, वॉट इज द मार्क्स ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेट ये एक्स बार हो गया, कोई भी डेटा अगर दो ग्रुप में डिवाइड करा गया, एक मान लो एक्स का ग्रुप है, एक मान लो वाई का ग्रुप है, ठीक है, मान लो इसका एवरेज एक्स बार है, इसका एवरेज वाई बार है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एन वन है और यहां पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एन टू है इस ग्रुप में, तो ओवरऑल जो एवरेज आता है पूरे ग्रुप का, सिंपली जब तुम सिंपली सबको ऐड करके एवरेज निकालोगे तो एन वन एक्स बार प्लस एन टू वाई बार अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है। तो लेट बॉयज
का नंबर दे रखा है एन वन, लेट गर्ल्स बी एन टू, और उनका एवरेज जो है गर्ल्स का दैट इज वाई बार. पूरे का एवरेज क्या आता है, सिंपली फॉर्मूला याद कर लो, और इस पे बेस निम्सेट में तीन बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लस एन टू वाई बार अपॉन एन वन प्लस एन टू. टोटल क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 70 बॉयज हैं, तो 30 गर्ल्स हो जाएंगी. ठीक है, तो एन वन है 70, बॉयज का एवरेज है 75, एन टू है 30, गर्ल्स का एवरेज है वाई बार, डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू मतलब 100, और एक्स बार कितना आ रहा है, एक्स बार आ रहा है टोटल कंप्लीट क्लास का एवरेज है 72. सो दिस इज 7200 इज इक्वल टू 70 इंटू 75, दैट इज 5250 प्लस 30 वाई बार, तो 7200 माइनस 5250 दैट इज 1950 डिवाइड बाय 30. तो सिंपली वाई बार आ रहा है गर्ल्स के सब्जेक्ट्स का एवरेज इज 65. इट्स आंसर इज 65. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है निम्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. इफ द मीन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन इसका मीन है एक्स बार, तो मीन ऑफ एक्स आई प्लस ट्वाइस आई बताना है. आई की वैल्यू वन से लेके एन तक वेरी कर रही है, डिवाइड बाय एन कर देंगे तो ये नया मीन आ जाएगा एक्स डैश बार. तो ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं. एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन टू आई, टू रख दो. अब यहां पे टू रखेंगे फोर आ जाएगा, थ्री रखेंगे सिक्स आ जाएगा, एन रखेंगे टू एन आ जाएगा, डिवाइड बाय एन. अब इंडिविजुअली जब डिवाइड करेंगे इसको तो इस तरह से आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन डिवाइड बाय एन, और यहां से टू कॉमन ले लो तो दिस विल बिकम वन प्लस टू प्लस थ्री टू एन डिवाइड बाय एन. इसका सम आता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स बार है और ये आ जाएगा एन प्लस वन, दिस इज एन प्लस वन. हेंस इट्स आंसर इज बी. इसका आंसर क्या हो गया, बी इज द आंसर. तो आई थिंक थॉट समझ में आ रहा होगा, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बिना करे अगर एग्जाम में जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कर पाना. नेक्स्ट, ये फॉर्मूला तो फिर से वही है एवरेज का, आगे देखते हैं. नेक्स्ट टाइम, एक कार ओनर बाइज पेट्रोल एट द रेट 20 रुपीज, 24 रुपीज एंड 25 रुपीज पर लीटर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर. मतलब पहले ईयर में उसको पेट्रोल का रेट मिल रहा था 20 रुपीज, सेकेंड ईयर में 24 रुपीज हो गया रेट, बढ़ गया पेट्रोल का दाम, एंड इन थर्ड ईयर इट्स रेट इज 25 रुपीज पर लीटर. ओके, कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल व्हेन ही स्पेंड 12,000 ऑन पेट्रोल ईच ईयर. ठीक है,
हर साल वो 12,000 रुपए खर्च करता है, पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। तो देखते हैं उसने टोटल टोटल कितना खर्च करा उसने, 36,000। पेट्रोल की कॉस्ट निकाल ली है, तो फर्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट उसने खर्चा करा 12,000 और पर लीटर पेट्रोल क्या है 20 रुपीज का। तो उसने टोटल जो पेट्रोल कंज्यूम करा वो 600 लीटर का कंज्यूम करा फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में उसने खर्च तो 12,000 ही करे हैं, लेकिन अब पेट्रोल का रेट कितना हो गया 24 रुपीज। तो 12,000 डिवाइड बाई 24, दैट इज 500 लीटर पेट्रोल मिला उसको सेकेंड ईयर में उतने ही पैसे खर्च करके। थर्ड ईयर में खर्च उसने 12,000 ही करें, लेकिन अब पेट्रोल का रेट हो गया है 25, तो 12,000 डिवाइड बाई 25, दैट इज 480 लीटर। अब एवरेज कॉस्ट पूछी है पेट्रोल की, तो टोटल जितना पेट्रोल लगा, क्या पूछा है, द कॉस्ट पर लीटर पेट्रोल, पर लीटर पेट्रोल मतलब टोटल कितना अमाउंट उसने खर्चा करा, टोटल कितना अमाउंट खर्चा करा 36,000 डिवाइड बाय कितने लीटर पेट्रोल मिला उसको, क्योंकि पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट बतानी है। तो कितने लीटर, 600 प्लस सेकेंड ईयर में 500 लीटर कंज्यूम करा उसने, थर्ड ईयर में 480 लीटर कंज्यूम करा। तो 600 प्लस 500 प्लस 480, तो 36,000 डिवाइड बाय 1580, ये 00 कैंसिल हो गया, तो 36,000 डिवाइड बाय 1580, दैट इज 22.78। जो 3 साल में एवरेज कॉस्ट आई पेट्रोल की वो 22.78 रुपीस पर लीटर की कॉस्ट आई। तो आई थिंक ये टाइप भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, ठीक है। 5 ऑब्जर्वेशन है x1 से लेके x5 तक, उसका मीन कितना है 15, तो x1 से x5 तक का सम कितना हो जाएगा 75। अनदर 10 ऑब्जर्वेशन का मीन है, वो हमने मान लिया y1 से लेके y10 तक, उसका मीन दे रखा है 20, तो y1 प्लस y2 से लेके y10 तक का सम कितना आ जाएगा 200, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल 15 ऑब्जर्वेशन, सिंपल सी बात है, सबको ऐड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो सबको ऐड करा, 15 से डिवाइड करा, x1 से लेके x5 तक का सम 75 आ रहा है, y1 से लेके y10 तक का सम 20 आ रहा है, तो दिस इज सिंपली ऐड करने पे ये एवरेज आ गया, सिंपल। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जब सेम डेटा कई बार रिपीट होता है, जैसे x1 x2 x3 xn की फ्रीक्वेंसी, पहले डेटा की फ्रीक्वेंसी f1 है, f1 मतलब सपोज कर लो 5 बार रिपीट हो रहा है x1, दूसरे डेटा की फ्रीक्वेंसी f2 है 6 बार रिपीट हो रहा है, तीसरे डेटा की फ्रीक्वेंसी f3 है 8 बार रिपीट हो रहा है, और nth डेटा की फ्रीक्वेंसी 15 है जो कि fn बार रिपीट हो रहा है। तो सिंपली उसका एवरेज अगर हमें लेना है तो करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे सारी फ्रीक्वेंसी जो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा, सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे डेटा कई बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो,
फाइंड द मीन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ये डेटा है, मान लो ये कोई डेटा दे रखा है, स्टूडेंट हैं जिनके आउट ऑफ 10 मार्क्स कैलकुलेट करे जा रहे हैं. तो चार पांच स्टूडेंट हैं जिनके 4 नंबर आए, 10 स्टूडेंट हैं जिनके 6 नंबर आए, सॉरी 15 तक है तो उसको 15 ही कर लो, ठीक है. 10 स्टूडेंट हैं जिनके 9 नंबर आए, 7 स्टूडेंट हैं जिनके 10 नंबर आए, और 8 स्टूडेंट हैं जिनके 15 नंबर आए. इसका हमें एवरेज निकालना है, तो सिंपली FIXI दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 4 × 5 20 हो गया, 6 × 10 60 हो गया, 9 × 10 90 आ गया, 7 × 10 70 आ गया, 15 × 8 120 आ गया. समेशन FI निकाल लेंगे, समेशन FI पूरा ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा. समेशन FIXI निकाल लेंगे, इस पूरे डेटा को ऐड कर लो, 360 आ रहा है. इस पूरे डेटा को ऐड कर लो, 40 आ रहा है. तो एक्स बार आ जाएगा समेशन XI, समेशन FIXI डिवाइड बाई समेशन FI. तो जो भी डेटा जितने बार आ रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, समेशन करके लिख देना है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ डेटा ऑब्वियसली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डेटा आ जाएगा. नेक्स्ट, अब आई थिंक समझ रहे हो, यहां पे एक अननोन दे दिया पी फ्रीक्वेंसी वाइज, ठीक है, और तुम्हें एवरेज दे दिया है. तो पहले हमने XI लिखा, फिर FI लिखा, जो भी फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है. समेशन FIXI दोनों को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाओ और सम FIXI में लिखते जाएंगे. फिर क्या है, समेशन FI लिखा, इन सबको ऐड कर दिया, 41 प्लस पी आ गया, समेशन FIXI लिख लिया, दैट इज 303 प्लस 9 पी आ गया. इनको हम डिवाइड कर देंगे और एवरेज तुम्हें 7.5 दे रखा है. पी में एक क्वेश्चन बन रही है और फाइनली पी की वैल्यू 3 आ रही है. तो कंसेप्ट वही है, FIXI निकाल लेंगे, समेशन FI निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे. अगर कोई एक अननोन है तो एवरेज गिवन होगा. यहां पे एवरेज क्या है, 7.5. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. यहां पे रखने पे पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज नोन दैट मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46. नंबर ऑफ एक्सीडेंट 46 फ्रीक्वेंसी है 0 एक्सीडेंट की. ये दो अननोन कर दिए इन्होंने, ये फ्रीक्वेंसी अननोन है, इसको हमने F1 मान लिया, ठीक है. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने F2 मान लिया. इतने लेंदी क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टाइप सारे पता होने चाहिए. और बाकी फ्रीक्वेंसी 25, 10, 5, 200 दे रखी है. तो इन सबको जब हमने ऐड करा सारी फ्रीक्वेंसीज को, तो वो फ्रीक्वेंसीज का सम आ रहा है 86 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है. समेशन FIXI ऐड करा तो ये आ रहा है, ठीक है. टोटल डेटा तुम्हें दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है, मतलब समेशन ऑफ FI दे रखा है, जो कि आ रहा था 86 प्लस F1 प्लस F2. तो यहां से तुम्हें F1 प्लस F2 मिल गया 114, ठीक है. मीन तुम्हें दे रखा है, तो मीन कैसे आएगा, समेशन FIXI अपॉन समेशन FI. तो मीन दे रखा है 1.46, समेशन FIXI अपॉन समेशन FI दैट इज 1.46. इसको पूरा सॉल्व करोगे वैल्यू रख करके समेशन FIXI की, F1 F2 में फिर से इक्वेशन मिला, और ऊपर से हमें F1 प्लस F2 पता ही था. F1 प्लस F2 क्या आ रहा था, दैट इज 100. ये फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है. इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में, आई थिंक सॉल्व कर लोगे तो F1 आ जाएगा, F2 आ जाएगा.
तो आई थिंक ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब है ग्रुप डेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर थ्री मेथड फॉर कैलकुलेशन। डायरेक्ट मेथड होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन अब इसके बाद ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि डेटा बहुत बड़ा दे रखा होता है, पहले तो ये टाइप कर लेते हैं। यहां पे क्लास इंटरवल दे रखा है, सपोज कर लो कुछ स्टूडेंट हैं, 90 स्टूडेंट हैं, जिनके 10 से 30 के बीच में मार्क्स आते हैं टोटल। मान लो 200 मार्क्स का पेपर है, किसी क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 टू 30 के बीच में मार्क्स आते हैं, 30 से 50 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 20, 50 से 70 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 30, 70 से 90 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 20 हैं, 90 से 110 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 40। तो जब क्लास इंटरवल दे रखा होता है और उसका हमें मीन निकालना है, तो इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को निकालते हैं, मिड वैल्यू। जैसे 10 और 30 के बीच के मिड वैल्यू क्या आ गई 20, 30 और 50 के बीच की मिड वैल्यू 40, 50 और 70 के बीच की मिड वैल्यू 60, 70 90 के बीच की मिड वैल्यू 80, 90 और 110 के बीच की मिड वैल्यू 100। तो यही अब हमारा x है, डेटा है और फ्रीक्वेंसी ये है। तो f इंटू x निकाल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को आपस में क्या करें मल्टीप्लाई करते जाएं तो एफ एक्स आता जाएगा, एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। ये सारा डेटा तुम ऐड कर सकते हो, ऐड करने पे 200 आ रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लास इंटरवल दे रखा होता है और मीन निकालना है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं एग्जैक्टली उसका, मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन एफ आई एक्स आई आ गया जो कि 10,000 आ रहा है। 200 समेशन एफ आई से डिवाइड कर दिया तो इट्स एवरेज इज 50। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, क्लास इंटरवल में मिड टर्म ले लेते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह से इसमें देखो, इसकी मिड वैल्यू कैसे आती है, सिंपली करना ये होता है मिड वैल्यू के लिए डिवाइड बाय 2 कर, तो ये 20 आ रही है, तो इसकी मिड वैल्यू 20 आ गई, इसकी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं 30 आ गई, इसकी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं 40 आ गई, इसकी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं 50 आ गई, इसकी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं 60 आ गई, ठीक है। सो नाउ ये हमारी मिड वैल्यूज आ गई, इसका फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, तो सारी फ्रीक्वेंसी का सम 150 आ रहा है। एफ एक्स एफ इन एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और समेशन एफ आई एक्स आई 4930 आ रहा है, दोनों को डिवाइड करने पे दिस इज द एवरेज, ये इसका एवरेज हो गया सिंपल। तो मेथड आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि क्या मेथड लगाया जा रहा है। नाउ एज्यूम्ड मीन, अब होता यह है कि अगर कभी डेटा बहुत बड़ा है तो एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज समथिंग ए, अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। The assumed mean is chosen in such a manner that it should be one of the central value, इनमें से कोई भी एक value ले लेंगे, उसको हम assumed mean ले लेंगे। The deviations are small, मतलब उससे mean है तो deviation कम ही होगा, one deviation should be zero, ठीक है। तो करना क्या होता है, सीधे सीधे हम example पे देखते हैं, जैसे for example, the following table is given of the distribution of total household expenditure in rupees of manual workers in city. Expenditure कितना हो रहा है, 24 worker हैं, 24 workers हैं, उनका expenditure हो रहा है 150 से 150, इसके बीच के mid value निकाली 125 आ गई, 40 workers हैं, उनका expenditure 150 rupees से 200 होता है,
उसकी मिड वैल्यू निकाल ली एंड सो ऑन, इस तरह सबकी मिड वैल्यू निकालते गए, ये सब फ्रीक्वेंसीज दे रखी। ठीक है, अब ये जो मिड वैल्यूज हैं काफी बड़ी वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कोई बीच में वैल्यू देख ली लाइक 275 और उससे सारी वैल्यूज का डेविएशन ले लिया xi माइनस 275। हमारी एज्यूम्ड मीन, वो कोई जरूरी नहीं कि 275 लो, तुम हो सकता है 225 ले सकते हो, लेकिन बीच में वैल्यू होगी तो डेविएशन सिमेट्रिकल आएगा। उससे सारी वैल्यूज हमने निकाल ली di, डेविएशंस निकाल लिए, और अब हमारा नया xi डैश ये हो जाता है डेविएशन xi माइनस 275। ठीक है, सो दिस इज माइनस 150, दिस इज माइनस 100, दिस इज माइनस 50, दिस इज 0, 50, 100, 150, 200। तो समेशन अब निकालना क्या है, fi di। अब इसको फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा डेटा हो गया डेविएशन, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, जिससे समेशन fi di ये आ गया। अब करना ये होता है जो भी एज्यूम्ड मीन है, समेशन fi di अपॉन समेशन fi करने पे वो एज्यूम मीन यहां पे ऐड करना होता है। ठीक है, तो 275 यहां ऐड करेंगे, fi di क्या आ रहा है माइनस 1750 डिवाइड बाई 200, तो इट्स आंसर इज दिस सिंपल। तो आगे की स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए मेथड जानना जरूरी है, बिकॉज तभी आगे सीख सकते हो, अदरवाइज ऑब्वियसली इतने बड़े क्वेश्चंस तो एग्जाम में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो फिर कॉमन सेंस यही कहता है कि इसको छोड़ो, क्योंकि इतने कैलकुलेशन करना, पूरी टेबल बनाना, फिर ये वैल्यूज लिखना, लेकिन ये सब आगे काफी काम देगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात कुछ समझ में आई होगी कि अर्थमेटिक मीन का यूज कैसे करते हैं, मिड वैल्यू निकाल के स्टेप डेविएशन, डेविएशन मेथड से एज्यूम मीन से। ठीक है, तो जब भी एज्यूम मीन लेंगे तो उस एज्यूम मीन को हम फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, समेशन fi di के साथ ऐड कर देंगे, दिस इज इट। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे, पहले मोड देखेंगे फिर मीडियन देखेंगे।